ओकाया जो है ये 38 कंट्रीज़ में ऑलरेडी काम कर चुकी है सर। अब ये नाम ओकाया सुनकर लोग समझ रहे हैं कि ये कोई इंटरनेशनल ब्रांड है, बट ये नहीं, ये इंडियन ब्रांड है। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 31 ईयर से है, ये माइक्रोटेक में इन्वर्टर्स के लिए काम कर चुका है। अभी जो है ओकाया का एक प्लान है, ये एक न्यू प्रोडक्ट लेकर आया है जो व्हीकल मोड में है। आजकल की महंगाई को देखते हुए जो पेट्रोल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो बच्चे ऑटो में जा रहे हैं, ऑटो के खर्चे हैं, या कोई फीमेल्स हाउसवाइफ्स है जो काम के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा एक एक्सपेंसिव मोड हो गया है। तो वो सोचकर ये इलेक्ट्रिक बाइक आ चुके हैं जो कि कॉमनली हर आदमी के लिए एक ज़रूरतमंद है। इसमें 3 मॉडल्स आएंगे आपको, एक क्लासिक आएगा, एक फ्रीडम आएगा और एक फास्ट मॉडल आएगा। अभी हमारे पास क्लासिक और फ्रीडम 2 मॉडल्स अवेलेबल है। इसका प्राइसिंग जो है 78,000 है, बट हमारा अभी सैटरडे जो है इनॉग्रेशन हुआ है तो हम 4,000 डिस्काउंट ऑफर चाह रहे हैं। अभी 74,000 आपको ऑन रोड प्राइस आएगा, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है और हमें एसेसरीज अभी फ्री दे रहे हैं, जिसमें आपको फ्रंट एंड बैक मडगार्ड भी आएगा। अभी हमारे पास 12 कलर्स भी अवेलेबल है, तो कस्टमर जो भी विलिंगली आकर ख़रीदना चाह रहे हैं वो जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि हमारे पास बुकिंग भी अभी चल रही है। और फास्ट गाड़ी जो हमारे पास है उसका रेंज काफ़ी अच्छा है। जो लोग आजकल बोल रहे हैं फास्ट गाड़ी नहीं, ये स्लो मीडियम बाइक्स है, ये नहीं है, बट अभी हमारे पास एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप चल रहा है जो एक फास्ट व्हीकल है, उसका जो है मैक्सिमम रेंज टॉप स्पीड 70-80 आएगा, और उसका जो है एक बार अगर आप चार्ज करेंगे उसको तो 150 किलोमीटर्स टू 200 किलोमीटर्स जाएगा। तो तकरीबन लोग हमारे पास पॉजिटिव वे में आ रहे हैं। हाँ, हम परेशान थे, इसका अच्छा हल है, तो कई लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कई डिलीवरीज जा रहे हैं, समझिए। तो और कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें अगर सर्विस, गाड़ी को सर्विसिंग के लिए अगर कुछ ख़राब हुई बीच में, अगर कुछ हुआ गाड़ी को, तो सर्विसिंग भी इसकी अवेलेबल है? जी, उमूमन हम देखते थे पेट्रोल व्हीकल्स में काफ़ी एक्सपेंसेस होते थे रिलेटेड टू शॉक अब्जर्व हो, इंजन का काम हो, बट ये हमारी जो व्हीकल है मोटर और बैटरी और जो हमारा कार्बोरेटर होता है उस पर काम करेगी, तो इसमें उमूमन ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। सर्विस सेंटर हमारे पास यहीं मौजूद है, आप ये भी सर्विस हासिल कर सकते हैं। ये चार्जिंग लगाने के बाद, एक बार चार्जिंग जो लगा देते बाइक को, लगाने के बाद ये कितनी देर तक उसकी बाइक पे चार्जिंग रहेंगे, और वही सेम चार्जिंग पे ये कितनी किलोमीटर तक चल पाएगी? ये ओकाया बैटरी, इसमें एक स्पेशलिटी है, ये लिथियम बैटरी है, ये नॉन एसिडिक बैटरी नहीं होती, जो पहले हम एसिडिक बैटरी इस्तेमाल करते थे, ये लिथियम बैटरी है। ये अगर आप एक बार चार्ज कर लेंगे फुल्ली चार्ज, इसमें आपको एक अडाप्टर दिया जाएगा, अडाप्टर आप चार्ज कर लेंगे। इसका चार्जिंग टाइम कितना रहेगा? चार्जिंग टाइम आपको मैक्सिमम 3 आवर्स रहेगा। अगर एक बार आप फुल्ली चार्ज कर लेंगे तो 70-75 किलोमीटर्स ऑफ रेंज आप कवर कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मॉडल्स कितने टाइप के मॉडल्स है और बाइक्स? अभी हमारे पास 2 मॉडल्स अवेलेबल है, जैसा कि एक फ्रीडम है और एक क्लासिक है, ये 2 भी आपको हर कलर में मिल जाएंगे, 12 कलर्स अवेलेबल है अभी। इसमें कोई पोल्यूशन या इसमें कोई जैसे ट्रैफिक चालान्स वगैरह? नहीं, इसमें कोई अभी आपको पोल्यूशन नहीं है, ना आपको चालान पड़ेगा, ना आपको ये लाइसेंस की ज़रूरत है, ना कोई हेलमेट पहनने की ज़रूरत है। तो ये नॉइज पोल्यूशन भी नहीं रहेगा, ना साउंड पोल्यूशन भी रहेगा हमारी गाड़ी। इसमें गाड़ी चलाते वक्त कोई वॉइसेस वगैरह कुछ ऐसी ग्लिचेस कुछ आएंगे? अगर आप एक बार टेस्ट ड्राइव अगर आकर यहाँ शोरूम पर करेंगे तो इतनी गाड़ी स्मूथ है, अगर आप ऑन भी हो गई तो आप महसूस नहीं करेंगे, उतनी स्मूथ रहेगी। राइड भी आपकी काफ़ी कम्प्लीटली स्मूथ रहेगी, और सीटिंग कैपेसिटी इसमें 150 kgs अप्रॉक्सीमेटली जा सकते हैं उसमें। अपील, आप क्या कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स से कि गाड़ियों को आके यहाँ कहाँ है आपके शोरूम के बारे में बताइए? ये शोरूम आपके हार्ट ऑफ द सिटी है, एबिट्स पर है, खान लतीफ खां पर है, तो आप यहाँ पर आइए, आप जल्द से जल्द बुकिंग कराइए, कलर्स आप जो चाहे आपको मिल जाएंगे। अभी LB स्टेडियम है नज़दीकी, ये हार्ट ऑफ द सिटी एबिट्स है, तो अब आ सकते हैं आप। हमारी टाइमिंग जो है 10:30 को शॉप शोरूम ओपन होगा, एंड इवनिंग में हमारा कोई क्लोजिंग का टाइम नहीं है, आप आ सकते हैं 8:30-9:00 पर, 10 तक भी आ सकते हैं, 8 बजे तक। ठीक, कुछ पॉइंट्स कट करना है?